हेलो एवरीवन, और आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव होगा घर बनाना, क्योंकि सर्वाइवल मोड है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घर बनाने के इससे पहले हम लोग लॉग्स इकट्ठा करेंगे, क्योंकि लॉग से प्लैंक्स बनता है और प्लैंक से बाकी सब कुछ, जैसे स्टिक्स बनता है और क्राफ्टिंग टेबल बनता है जो हम लोग को चाहिए। क्राफ्टिंग टेबल इज़ ए नेसेसिटी, तो उसके लिए लॉग्स इकट्ठा करेंगे। ये पेड़ का ट्रंक तोड़ लेते पहले, आई थिंक सो एक और टूट जाएगा। हाँ, ये वाला टूट जाएगा, उसके ऊपर वाला नहीं टूटेगा क्योंकि रीच नहीं होगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे इन्वेंटरी में ऑलरेडी स्टिक्स है, तो मैंने ऑलरेडी इधर एक दो डेड प्लांट्स थे उसको उठा के स्टिक्स ले लिया था, जैसा कि आप लोग अभी ये देख रहे हैं। ये डेड प्लांट है और लॉग से भी स्टिक्स बनता है, मतलब प्लैंक से भी स्टिक बनता है, वुडन प्लैंक से। और ये सैंड का ब्लॉक टूट गया, अरे उठ क्यों नहीं रहे, उठो, गिर इसमें, नहीं गिर रहे, दो ब्लॉक तोड़ के ले लेते हैं, चलो। अरे यार, एक ब्लॉक उधर पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग सैंड का थोड़ा सा ब्लॉक्स और स्टिक्स और कलेक्ट करते हैं, फिर डर्ट कलेक्ट करते हैं हम लोग। किससे लगा, कैक्टस से भिड़ गए, कैक्टस से भी लाइफ जाता है। तो अभी पहले हम लोग डर्ट कलेक्ट कर लेते हैं इधर से। डर्ट के ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सैंड के उधर घर बनाऊंगी, क्योंकि सैंड से ज़्यादा मतलब क्लियर शॉट वगैरह आते हैं, ट्रीज़ वगैरह नहीं होते, तो मॉब्स को हैंडल करने में इजी होगा। और मैं प्रेफर करती हूँ हैंड से तोड़ूँ या स्टिक से तोड़ूँ, क्योंकि ब्लॉक्स से तोड़ने से मेरे को थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, आई डोंट नो व्हाई, पर लगता है। तो आई थिंक सो इतने डॉट ब्लॉक्स काफ़ी होंगे, थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं, बस काफ़ी होंगे। वो केव में चल के देखते हैं, आई डोंट हैव अ टॉर्च, मेरे पास टॉर्च नहीं है, तो ज़्यादा अंदर तो जा नहीं पाएंगे। इसको स्टिक से तोड़ते हैं, जल्दी टूट जाएगा, मिलेगा तो नहीं पर टूट तो जाएगा। बहुत अंधेरे, नहीं अंदर नहीं जा रहे हम, इधर भी एक केव है पर इसमें भी अंधेरा है, तो वापस चलते हैं। इधर से सीढ़ी टाइप का बना लेते इधर, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने आए तो अच्छा रहे। यार मैंने छेद क्यों नहीं देखा, ये सैंडस्टोन को तोड़ लेते, सैंडस्टोन मिलेगा तो है नहीं स्टिक से, सैंडस्टोन को भी पिकैक से तोड़ना पड़ेगा फिर भी। तो अभी हम लोग चलते उस बेस प्लेटफॉर्म पे जो ऊंचा सैंड का हिल टाइप का है, और उस पर अपना घर बनाएंगे। पहले स्टिक तोड़ लेते, देखा। तो हम क्या करेंगे, बीच का ये गड्ढा टाइप का खोदेंगे, और फिर ये मेरा लाइक बेस टाइप का होता है, और फिर इसमें मॉब्स नहीं घुस पाते, ये इसका इजी पॉइंट है। तो मुझे पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं, पर जब मैं उधर ब्लॉक्स तोड़ रही थी तब मुझे इधर रेड कलर का, ये जो आप सामने देख रहे हैं, रेड कलर का कुछ दिखा। तो अब हम इसको देखने आ रहे हैं, आई डोंट नो ये क्या है, आई थिंक सो कुछ अच्छा ही होना चाहिए, इधर से कुछ मिल जाए हम लोग को। इसमें क्या है, आई हैव नो आइडिया। आप लोग को पता है ये क्या है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि नहीं वो भी लिख दीजिएगा, इसके ये ब्लॉक्स को तोड़ के एक्सप्लोर करना चाहिए कि नहीं। अभी तो फिर इधर से निकलते हैं फ़िलहाल, क्योंकि पता नहीं क्या है। अरे यार ऊपर चढ़ो, और अच्छा सामने ही विलेज है, तो विलेज से भी हम लोग को हेल्प मिल जाएगा। इन लोग का चेस्ट वगैरह हम लूट लेते हैं, चेस्ट में, इसमें घर में चेस्ट नहीं है,
रिस्पॉन पॉइंट इधर नहीं करना है, रिस्पॉन पॉइंट हम अपने घर पे सेट करेंगे। इसमें शायद चेस्ट था, हाँ है। ब्रेड मिल गया और एकिया शिया सैपलिंग। अरे यार इसको मारना था, एक गोलम को ना ले आए बस प्लीज। चलो दिन हो जाएगा तो छोड़ ही देगा। और अभी दूसरे हाउसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। ये इन लोग उगा रखे वीट या कुछ। एमरल्ड मिल गया बहुत अच्छा, और सैडल भी मिल गया। तो अभी हम लोग हॉर्स भी कर सकते हैं, बस लीश चाहिए। लीश कहाँ से मिलेगा, लीश ढूंढना पड़ेगा। लीश के लिए शायद स्ट्रिंग्स चाहिए। तो अभी हम जो मेरे काम करनी है उसको छोड़ के और कुछ हाथ में नहीं लेंगे अभी। इसके पास चेस्ट में क्या है, इसके पास ट्यूनिक है। ट्यूनिक हम लोग पहन लेंगे थोड़े देर में, ताकि उससे और अपना आर्मर थोड़ा रहे। जो बिल्कुल भी नहीं से अच्छा तो कुछ थोड़ा सा है। और ये बेड तोड़ लेंगे, जिसका भी घर है उसको हम बेड बाद में दे देंगे, ठीक है। प्लीज़ गोलम को मत बोलना, वैसे भी इन लोगों को पता तो चलेगा नहीं। इधर क्या है, इधर पोर्क चॉप, बीफ और वीट है। अच्छा चलो ये भी कम आएगा। इधर क्या है, ये शायद स्मोकर होना चाहिए। हाँ स्मोकर है, स्मोकर तो अभी कम नहीं। अरे यार कूदना नहीं था, सीढ़ी से उतरना था। इधर से जाने का जगह तो है नहीं, तो फिर से उधर से ही चलते बैक टू वेयर वी केम फ्रॉम। अरे घुस ना, और कोई घर बचा है क्या, देखना। ये घर में तो देख चुके शायद, हाँ इसका चेस्ट खाली है, देख चुके हो। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये सामने वाले में देखते क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है। और कहीं पे और कोई सा घर बचा है, ये घर भी शायद देख चुके हैं। नहीं नहीं ये घर नहीं देखे। ओ ये विलेजर था। अगर हम रॉटन फ्लैश कमाए तो ये मुझे एमरल्ड देगा, और एमरल्ड से दो दे रहा है। 32 लेके और फिर दो सिर्फ, नहीं चाहिए, थैंक यू, नो ट्रेड। तो अभी चलते, आई थिंक सो हम घर का भी थोड़ा दूर, हाँ इसी सैंड के उधर बनाएंगे। इधर ही बनाएंगे, इधर भी वैसे हम गड्ढा टाइप का करेंगे। तो गड्ढा आई थिंक सो हम 3x3 का करेंगे, 3x3 होना चाहिए। और एक ब्लॉक हम स्टेप के लिए छोड़ देंगे। ट्यूनिक हम लोग पहन लिया आर्मर के लिए, जैसा कि आप लोग को बताया था मैंने। और प्लैंक्स ले लेते हैं, क्योंकि प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल बनता है। सारे लॉग्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। क्राफ्टिंग टेबल में इधर सेट, ओ राइट ये तो सैंड है। क्राफ्टिंग टेबल में सेट करके उसके ऊपर सैंड लगा देती हूँ। और एक चेस्ट भी बनाएंगे थोड़े देर में। चेस्ट में हम लोग एम्ब्रॉयड वगैरह रख देंगे, तो क्यों कभी अगर हो वो टच ना हो, पर अगर कभी ऐसा हो कि रिस्पॉन होने का ज़रूरत पड़ जाए तो सारा सामान उधर ना खो के थोड़ा सा इधर चेस्ट में रह जाएगा। नहीं आई थिंक सो स्टेप बनाना पड़ेगा मुझे। सैंडस्टोन बना लेते पहले, फिर थोड़ा सा और सैंड लेके आएंगे। इधर सैंड तोड़ लेते हैं बहुत सारा, स्टिक से तोड़ेंगे तो जल्दी टूट जाएगा। सैंड टूट सकता है रियल लाइफ में, तो टूटेगा नहीं, गिर जाएगा क्योंकि पाउडरी फॉर्म में, पर इसमें क्योंकि ब्लॉक्स के फॉर्म में तो सैंड टूट जाएगा।
तो सैंड तोड़ो, सैंड तोड़ो। आई थिंक सो और सैंड तोड़ने का ज़रूरत है हम लोग को। यस, ये जगह काला कैसे हो गया था? बस ये लाइन में थोड़ा सा और नहीं तोड़ना है, इतना काफ़ी है। तो अभी हम लोग अंदर चलते और फिर सैंडस्टोन कन्वर्ट कर लेते हैं। सारा सैंडस्टोन मिल गया हम लोग को, अब हम लोग ऊपर का कवर कर लेते हैं। ऊपर का कवर हो गया है, बट आई डोंट थिंक सो ये स्टेप कम आएगा। आई थिंक सो हम लोग को एक और स्टेप करना पड़ेगा, राइट। तो ये स्टेप एक और कर दिया हम लोग ने। अब अंदर का फर्निशिंग कर लेते पहले। अरे कहाँ जा रहे हो? घर के अंदर जाना है। हाँ तो पहले चेस्ट बना लेते एक ठू, पर ये सैंड के ऊपर तो सैंड ही टूट गया। ठीक है, अब इधर एक चेस्ट रख के ऊपर, फिर चेस्ट खुलेगा नहीं। अरे सैंडस्टोन गलत जगह पे लग गया, इस तुम्हारे को ऊपर लगना था। इसको तोड़ देते हैं, फिर पीछे से जाके हम लोग उसको पूरा ठीक कर देते हैं। इधर से सैंड तोड़ लेते हैं। आई थिंक सो छः सैंड लगेगा, आठ है तो हो जाएगा। और फिर ऊपर से एक सैंडस्टोन लगा देते बस। फिर अब अंदर चलते हैं। अंदर हम चेस्ट में सामान रखेंगे और एक बेड लगाएंगे। सारा स्टिक एक बार रख दो, सिर्फ इम्पोर्टेंट सामान लेंगे। अभी हम लोग बेड ले लेंगे और फिर बेड लगा देंगे। बेड लगते ही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।